जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हम आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम के सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वायु क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। और मैं आपको बता दूं कि वायु क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा दो स्थितियों में देखी जाती है और उन दो स्थितियों में पहली स्थिति होती है एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। यानी अगर कोई एक आवेश हो तो एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, और जो दूसरी स्थिति होती है, दूसरी स्थिति में वायु क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखी जाती है। और इसके बाद इसमें एक और थर्ड स्थिति आती है और थर्ड स्थिति को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, वायु क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम आपको पहली स्थिति बताने जा रहे हैं कि एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो अब इस हम आपको ये बताना शुरू करें, इससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लें, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। तो चलिए हम शुरू करते हैं एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। अब एक चीज आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए उस वस्तु को चार्ज दिया जाता है, और जब उस वस्तु को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज करने के लिए यानी उस वस्तु को आवेशित करने के लिए उस वस्तु पर कार्य किया जाता है, और किया गया यह कार्य ही उस वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी दूसरे रूप में कहने का मतलब हमारा ये है कि कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है। और देखें, आपको पता है कि V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, और अगर यहाँ से हम W की वैल्यू निकालें तो W की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू। अब चूंकि एकल निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी जगह पे हम U लिख सकते हैं। तो U इज इक्वल टू हम Q लिखते हैं, क्यू को पहले लिख देते हैं, भी को बाद में लिख देते हैं। तो आप ये दिमाग में आप रख लें कि अगर कोई सिंगल चार्ज होगा, अगर कोई एकल आवेश होगा तो उस एकल आवेश की ऊर्जा U इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, जहां Q आवेश है और भी विभव है। अगर हमें ये पता है कि कोई आवेश अगर कोई चालक है और चालक पर कितना आवेश है, उस आवेश Q का मान हमें मालूम है, और फिर हमें ये भी मालूम है कि उस आवेश को कितना विभव दिया गया है। तो अगर हमें Q और V का मान मालूम हो तो इस सूत्र की सहायता से हम एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें कि अगर यहाँ पर आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन हो, अगर आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन हो तो हम Q के जगह पर E रख देंगे और फिर ये हो जाएगा U इज इक्वल टू E इंटू V। और याद रखे रहिए, इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E मीन्स इलेक्ट्रॉन, V मीन्स वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? तो यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि एकल निकाय के स्थितिज ऊर्जा का यह मात्रक है। आप सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए,
यदि एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट का विभव देने पर उस इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है उसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कुछ बच्चे तो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये वोल्ट है इसका मतलब कि ये विभव का मात्रक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये विभव का मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा का मात्रक है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक है। इसको आप सभी लोग अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखे रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश के स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है, ये विभव का मात्रक नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन आपने देखा है, और मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया जाता है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻¹⁹ होता है, और ये हो जाएगा इतना जूल। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ जूल के इक्वल होता है। अच्छा, अब ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसका एक और अन्य मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हो गया आपका 10³, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6×10⁻¹⁹ जूल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1.6×10⁻¹⁹, ये -19 है और +3 है, ये हो जाएगा 10⁻¹⁶ जूल हो जाएगा। तो ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इसको याद रखे रहेंगे कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁶ जूल के इक्वल होता है। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, और इस प्रकार ये है 10⁻⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6×10⁻¹⁹, यानी ये मिल जाएगा आपको, ये 1.6×10⁻³¹ जूल हो जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट यूनिट है, इनको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ जूल, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ जूल, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6×10⁻³¹। हमें उम्मीद है कि एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा आप सबको समझ में आई होगी अच्छी तरह से। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे भी, और फिर बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।